सहकारिता विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल से किसानों के पंजीयन का काम प्रभावित हो रहा है। किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल ने उनसे काम पर लौट आने के लिए कहा है। इसके बाद भी जो कर्मचारी काम पर नहीं आएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सहकारिता विभाग संबंधित संस्थाओं के प्रबंधक, सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर तैनात आउटसोर्स कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इससे गेहूं, चना और अन्य फसलों की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन नहीं हो पा रहा है। प्रमुख सचिव सहकारिता के आश्वासन के बाद भी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। नर्मदा परिक्रमा कर रहे कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि यह आउटसोर्स कर्मचारी हैं, यदि यह जल्दी काम पर नहीं लौटे तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कृषि मंत्री कमल पटेल अवैध रेत खनन को लेकर भी कड़ी कार्रवाई करने का संकल्प दोहराते हुए कहा है कि नर्मदा की रक्षा सरकार और समाज की संयुक्त जवाबदारी है। पटेल ने कहा है कि जिन क्षेत्रों में सिंचाई का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, वहां सिंचाई के साधन होने तक किसानों से सिंचाई कर नहीं लिया जाएगा। सहकारिता के किसान हड़ताल पे नहीं है, लोग ये ऑनलाइन में जो इंजन करते थे आउटसोर्स से लिए गए थे वो हड़ताल पे हैं। हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, या तो हड़ताल से वापस आए और नहीं तो ठीक करेंगे, हटाएंगे हम। लेकिन किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिवराज सिंह जी और मोदी जी की भाजपा की सरकार है, किसानों की सरकार है। लूंगा और अगर पानी नहीं पहुँच रहा तो उनका न तो सिंचाई टैक्स लगेगा और न उनका सिंचाई का कुछ होगा, बल्कि उनको सिंचाई तक पहुँचाने, तेल तक पानी पहुँचाने की जिम्मेदारी सरकार की। सर, सहकारिता विभाग के कर्मचारी हड़ताल पे हैं किसानों के पंजीयन में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।